साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक्सेल से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत एक एक्सेल शीट के डाटा दूसरी एक्सेल शीट पर कैसे ले उसके संदर्भ में जानकारी दी जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने विद्या संबल योजना यानी गेस्ट फैकल्टी के तहत जिन अभ्यर्थियों को लगाना है उसकी एक एक्सेल शीट तैयार की थी ताकि अंकों का कैलकुलेशन हो जाए और उनकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाए। हमने एक पहले शीट 5 तारीख को डाली थी और उसके बाद 8 तारीख को उसका अपडेट वर्जन और डाला था। लेकिन अब साथियों की समस्या यह है कि जो पिछली सीट है उस पर उन्होंने वर्क कर लिया और अब जो नया अपडेट वर्जन डाला है और उस पर वो संपूर्ण मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि उनको डाटा एंट्री खूब करनी है, 400-500 एंट्रीज करनी है, उसमें वक्त लगता है। तो क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है या कोई तरीका है जो उसके डाटा इस सीट पर भी आ जाए? हाँ बिल्कुल साथियों, इसका आंसर यस में होगा और आपके जो पिछली सीट के डेटा है वो डेटा इस सीट पर आप आसानी से ला सकते हैं। अब वो कैसे लाएं इसके बारे में एक शानदार जानकारी आपको देने जा रहे हैं, लेकिन आपका ये भी फर्ज है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी है। देखो साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है आपका। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे ये सीट मेरे पास पहले आई थी और उस पे मैंने मेरे स्कूल के डेटा फिल कर दिए। अब लगभग मैंने 100 से ऊपर एंट्री कर दी है। अब होता क्या है कि इसमें कई बार कुछ बग रह जाते हैं तथा कुछ लिंक एरर रह जाता है और कुछ ऐसी समस्या होती है जो उसके अंदर अपडेट करनी पड़ती है। पहले इस एक्सेल सीट को केवल मात्र मेरी दो आंखें ही देखती है, लेकिन जब ये सीट फील्ड के अंदर जाती है तो पूरा राजस्थान इस सीट को देखता है और इतनी हजारों लाखों आंखें देखती है इसको। कुछ न कुछ इस पर एरर या त्रुटि या फिर इस पर कोई मिस्टेक्स है तो उस पर साथी फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं, यूट्यूब पर बताते हैं कि इस पर इस सीट में ये समस्या है, इसको आप समाधान करिए और हम उसका समाधान करते हैं और उसका अपडेट वर्जन आप तक पहुंचाते हैं। अब हमने तो हमारा काम कर दिया और वो अपडेट सीट आप तक पहुंचा दी, लेकिन आपके लिए वो एक गले की फांस बन जाता है कि हमने इतनी मेहनत पहले कर ली और अब और करनी पड़ेगी क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं करने पड़ेगा आपको, मात्र 10 सेकंड के अंदर ये सीट आप उस सीट के डेटा इस सीट पर ले सकते हैं। तो अब इस सीट के डेटा हम जो नवीन अपडेट आया है उस पर कैसे ले उसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस सीट के जो अनलॉक सेल्स है उनको आप कॉपी करेंगे। जैसे यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये है अनलॉक सेल और ये है लॉक सेल, ये कॉपी नहीं होगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको ये करना है कि जो अनलॉक सेल है उनको आप कॉपी कर लीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ तक ये डेटा थे, हमने इन डेटे को यहाँ तक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये कॉपी करने का तरीका, ये कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद आप चलिए जो हमारे पास नवीन अपडेट आया है उस नवीन अपडेट पे आप जाके यही सीट लेना है। इसी सीट पे जो फर्स्ट सेल है इस फर्स्ट सेल पे आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा वैल्यू, आपको इस वैल्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही वैल्यू पर क्लिक करोगे अब आपके वहाँ से कोई भी फॉर्मूला या फॉर्मेटिंग या नहीं आएगी, केवल मात्र वो वैल्यू यहाँ पर पेस्ट होगी और आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे उस सीट के डेटा अब इस सीट पे आ चुके हैं। इसलिए आप देख सकते हैं जैसे अभी ये जो डेमो सीट हमने भेजी थी इस पर केवल मात्र 10-12 एंट्रीज थी, जैसे ये 14 एंट्रीज है, लेकिन वहाँ से डेटा लेके इस सीट पे जैसे डाला टोटल आपके 100 एंट्री आ चुकी है। अब आप कहेंगे सर हमने साला दर्पण कोड तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर ऑटो आ ही नहीं रहा है और ये लॉक सेल है। अरे भाई, जब आप यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल के अंदर वो सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ स्कूल प्रोफाइल के अंदर तो अलग ही एंट्री पड़ी है अभी डेमो वाले, तो ये भी काम आपको
करना है और इसके लिए वापस उस पुरानी सीट पे जाना है। और यहाँ से जो आपके स्कूल प्रोफाइल है इस पर आपने जो आईडी लिखी है वो आईडी कॉपी कर लीजिए, वहाँ पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर जो विद्यालय का नाम है वो विद्यालय का नाम भी कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए। जैसे हम यहाँ कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया डेटा और हम चलते हैं उस नवीन सीट पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन डेटे को कॉपी पेस्ट, तरीका आपको बताया, पेस्ट स्पेशल वैल्यू और ओके, वो डेटा यहाँ आ चुका है। और ये जो एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा डेटे को क्या करो, यहाँ से डिलीट ऑप्शन से डिलीट कर दो। उसके बाद यहाँ तक ही हमें एंट्री चाहिए, ये नीचे वाली नहीं चाहिए, इसको हटा दो। वहाँ से स्कूल भी कॉपी कर लो, क्योंकि ये बीच के अंदर लॉक है, एक साथ नहीं आएगा और आप परेशान हो जाओगे, इसलिए आप क्रम वाई क्रम आगे बढ़िए। अब हम चलते हैं विद्यालय के नेम को कॉपी कर लेते हैं और जो नवीन अपडेट आया है उस पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही स्पेशल में जाके वैल्यू में क्लिक करके ओके किया, यहाँ पर आपके स्कूल के नेम आ गए। और अब जाके आप डेटा एंट्री सीट पे जाओगे तो आपके स्कूल के नेम यहाँ आ चुके हैं, देख लीजिए आपके स्कूल के नेम आ गए हैं यहाँ पर। साथियों, यदि ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मोस्ट वैल्यूएबल जानकारी को सभी तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी बंदा परेशान नहीं हो और उसको आसानी रहे कि नवीन अपडेट पर किस प्रकार से वर्क करना है, ताकि हम टेक्नो फ्रेंड रहे और इजी गोइंग होकर इस पर वर्क करें। साथ में आपका समय भी बचे, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान है। अब हमें अगली सेल की कॉपी पेस्ट करना है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपके डेटा आ चुके हैं और ये लॉक सेल थी, यहाँ पर ऑटो जनरेट हो गए हैं। अब इस लॉक सेल से लगाकर इस लॉक सेल के मध्य के डेटा आपको लेने हैं। जैसे ही आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर डेटे आ जाएंगे। आपको केवल मात्र यहाँ पेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यू पेस्ट करनी है, ताकि हमारी जो फॉर्मेटिंग की हुई है और जो हमारे पीछे से डेटा आ रहे हैं और उसके अंदर जो भी कंडीशन डाली हुई है उसके अंदर चेंज नहीं हो, आपके द्वारा उस सीट पर टाइप किया हुआ मैटर है उसकी वैल्यू ही यहाँ पर आए। अब आप कहेंगे पेस्ट करना और वैल्यू पेस्ट करना इसमें क्या डिफरेंट है, तो इसमें यही डिफरेंट है कि वहाँ से आप जैसे ही पेस्ट करते हो तो वहाँ की जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुई है और जितने भी वहाँ पर वर्क किया है और जो भी कलर डिज़ाइन सब कुछ वहाँ से कॉपी होके यहाँ पेस्ट होता है। ऑल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पेस्ट स्पेशल, इसके अंदर ये ऑल वर्ड के अंदर हमेशा ये बाय डिफॉल्ट रहता है और वहाँ की सब जानकारी यहाँ पर पेस्ट हो जाती है, लेकिन हमें केवल मात्र वैल्यू चाहिए। आपने जो मैटर टाइप किया था केवल मात्र वो मैटर ही तो चाहिए, तो हमें यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक करके फिर ओके करना है, तब केवल मात्र वैल्यू ही आएगी। यहाँ तक आप कर लोगे तो यहाँ पर जो डेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी और उसके बाद ये जो मंथ ईयर डे निकलना है ये भी निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से लगाकर जो शैक्षणिक योग्यता है वहाँ से लगाकर ये टोटल सेल अनलॉक है, ये पूरे एक साथ कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, यानी कुल तीन बार में आपका काम बन जाएगा। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी लेकिन अति महत्वपूर्ण जानकारी, और अब हम आपसे फिर वादा करते हैं एक नवीन जानकारी के साथ आपसे मिलने का। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।